अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन आज भी इसी धरती पर मौजूद है। कहते हैं नाग नागिन पूर्णिमा के दिन मानव रूप में आते हैं और इसके बाद दोबारा नाग नागिन बन जाते हैं। दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन उन्हें कहा जाता है जो इंसानी रूप में धरती पर घूमते हैं। वो किसी भी वक्त किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं और वो हम सब के बीच इंसान की तरह रह सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक वाक्य राजस्थान में देखने को मिला, जहां 5 साल की बच्ची की जान बचाने खुद इच्छाधारी नागिन आ गई, जिसे देख वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, बात आज से कई साल पुरानी है, जब राजस्थान पूरी तरह से विकसित नहीं था। दरअसल बात है राजस्थान के चांदपुर की, जहां की महिलाएं गांव से कोसों दूर जाकर कुएं से पानी लाती थी। चांदपुर में मनीषा नाम की एक महिला रहा करती थी, जो रोज सुबह जल्दी जाकर कुएं से पानी लाती थी, उसके बाद ही घर के कामों को किया करती थी। एक बार जब मनीषा कुएं से पानी लेने जा रही थी, तब उसका बेटा उसके साथ जाने की जिद करने लगा। मनीषा अपने 5 साल के बेटे को लेकर कुएं से पानी लेने गई। मनीषा जब कुएं से पानी निकाल रही थी, तभी उसका बेटा खेलते खेलते अचानक कुएं में गिर गया। मनीषा अपने बेटे को कुएं में गिरता देख जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था, क्योंकि पानी का कुआं गांव से कोसों दूर था और उस समय काफी अंधेरा भी था। मनीषा अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती रही, लेकिन उसके बेटे को कुएं से वो निकाल ना पाई। मनीषा हताश होकर कुएं के पास बैठकर रोने लगी और भगवान शिव से अपनी बेटी को बचाने की प्रार्थना करने लगी। तभी मनीषा को एक रोशनी दिखाई देने लगी, मानो सूर्य देव धरती पर आ गए हों। रोशनी इतनी तेज थी कि मनीषा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद जब रोशनी गायब हुई, तो मनीषा देखती है कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री ने उसके बेटे को अपने हाथों में उठा रखा है। अपने बेटे को जिंदा देख मनीषा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो सुंदर स्त्री उस बच्चे को सही सलामत जमीन पर छोड़ देती है और मनीषा ने तुरंत अपने बच्चे को उठाया और उसे प्यार करने लगी। जैसे ही मनीषा उस स्त्री को धन्यवाद बोलने के लिए उसकी तरफ देखती है, तो वहां पर एक काली नागिन दिखाई देती है। वो नागिन उसी कुएं के अंदर चली जाती है। ये सब देख मनीषा के होश उड़ गए कि आखिर ये सब क्या हुआ। मनीषा को लगा कि ये जरूर महादेव का चमत्कार है। काफी देर होने के बाद मनीषा घर नहीं पहुंची, तो उसका पति मनीषा को ढूंढते ढूंढते उस कुएं के पास आया, तो मनीषा ने अपने पति को सारी बात बताई। दोनों पति पत्नी ने महादेव को प्रणाम किया और फिर दोनों अपने घर चले गए। दोस्तों, इच्छाधारी नाग और नागिन करीब 1000 सालों से भी अधिक जिंदा रहते हैं। उनकी मौत कभी स्वाभाविक नहीं होती। अगर उन्हें कोई मार दे तो अलग बात है। मनुष्य रूप धारण कर वो हम लोगों के बीच ही घूमते रहते हैं। कहा जाता है नागिन की याददाश्त सामान्य मनुष्य के मुकाबले 1000 गुना शक्तिशाली होती है। यही कारण है कि अगर कोई मनुष्य नागिन को किसी भी बात से क्रोधित कर दे या उसके नाक को मार दे, तो भले ही वो व्यक्ति कितने भी जन्म ले ले, लेकिन फिर भी नागिन उसे याद रखती है और उसके 7 जन्मों तक उससे बदला लेती है। एक इच्छाधारी नाग या नागिन का जन्म तब होता है जब कोई इंसान अपनी गहरी दबी इच्छा लेकर मर जाए, या फिर जब एक कोबरा नाग अथवा नागिन 1000 साल तक जिंदा रह जाए, तो उनमें विशेष शक्ति आ जाती है। परंतु आज हम आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने वाले हैं, जहां पर एक राजा और रानी अपनी एक खास इच्छा को अपने अंदर दबाए हुए ही मर गए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में स्थित छेर की महल की। इसके अंदर आज भी इच्छाधारी नाग और नागिन का वास है। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित गुलपुर गांव के निवासी अंकित पाल एक बार घूमते घूमते इस महल के पास से गुजर रहे थे, तो उन्हें महल के पास रोने की आवाजें आने लगी। ये आवाज किसी स्त्री के रोने की थी। जब वो उस आवाज की तरफ बढ़े, तो एक सुंदर कन्या उन्हें रोते हुए दिखाई दी। जब अंकित ने रोने का कारण उस स्त्री से पूछा, तो वो बोली, मैं अपने बच्चे के साथ अपने ससुराल जा रही थी, पर जैसे ही मैं महल के पास पहुंची, तो मेरा बच्चा इस महल के अंदर चला गया। अब वो मुझे मिल नहीं रहा। मेरा बच्चा इस महल में पता नहीं कहां गुम हो गया। अंकित बोला, आप चिंता मत करो, वो यही कहीं महल में घूम रहा होगा, पर मिल जाएगा। मैं उसे अभी ढूंढ के ले आता हूँ। और अंकित उस महल के अंदर घुस गया।
अभी वो कुछ आधे किलोमीटर महल के अंदर ही घुसा होगा कि उसे सांपों के हिस की आवाज सुनाई देने लगी। और जब अपने बच्चे को ढूंढने पीछे आ रही स्त्री को उसने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उस स्त्री का ऊपर का हिस्सा तो मनुष्य का था, परंतु नीचे कमर के नीचे का शरीर जो था वो सर्प के समान हो गया था। उसके आगे के दो दांत बाहर निकल आए थे और उस नागिन ने अंकित को गुस्से में मार डाला। डस डस कर अंकित की वहीं मृत्यु कर दी गई। परंतु आखिर उस नागिन ने ऐसा क्यों किया? आखिर एक निर्दोष को मारने के पीछे का कारण क्या था? दरअसल दोस्तों, करीब 535 साल पहले एक नागिन एक सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम था मनी किशोरी, और उनका विवाह राजपुर के राजा मधुरंतक देव से हुआ था। मधुरंतक देव के पास अपार धन संपदा थी जो उस समय किसी भी रियासत के पास नहीं थी। हर एक राजा उनके आगे अपना सर झुकाते थे, लेकिन मधुरंतक के पास खजानों के ढेर थे, तो साथ ही इस वजह से केवल बाहर ही नहीं बल्कि उनके खुद के परिवार के अंदर भी कई उनके दुश्मन हो चुके थे जो कि राज गद्दी की लालसा लिए बैठे थे। साथ ही राजा के अपार खजाने को भी वो पाना चाहते थे, लेकिन उन्हें तलाश थी तो एक सही मौके की। उधर मधुरंतक अपनी पत्नी मनी किशोरी के साथ बहुत खुश थे। करीब 6 से 7 साल उनके विवाह को बीत चुके थे, परंतु अभी तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें हर समय चिंता सताने लगी। यहाँ तक कि रानी भी इस चिंता में डूबी रहती थी। रानी का तो दुख के मारे इतना बुरा हाल होता जा रहा था कि वो पागल हो चुकी थी। उन्होंने एक तकिए को ही अपने बच्चे की तरह मानना शुरू कर दिया था। जब राजा ने ये सब देखा तो वो भी और अधिक दुखी हो गए। तभी एक दिन उनके राज्य में एक दिव्य योगी आया और उसी ने राजा को सलाह दी कि आप रानी संग पुत्र श्रेष्ठी यज्ञ करो, जिसका संचालन मैं स्वयं करूंगा। राजा ने तुरंत योगी की सलाह मान ली और करीब कुछ महीनों में ही रानी गर्भवती हो गई। राजा रानी अपने महल में आने वाले नन्हे मेहमान के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थे, परंतु इनके भाग्य में एक अलग ही विडंबना लिखी थी। राजा का जो सेनापति था वो इसी इंतजार में तो था कि मौका पाकर कैसे भी राजा का सिंहासन ले लिया जाए। न केवल सेनापति बल्कि उसके साथ राजा के कई अपने ही मिले हुए थे जो बस राजा के उस अपार खजाने को पाना चाहते थे। एक दिन मौका पाकर सेनापति ने कुछ गद्दारों के साथ मिलकर जब राजा सो रहे थे तब उनकी हत्या कर दी, और फिर वो रानी और उसके गर्भ में पल रहे राजपुर राज्य के उत्तराधिकारी को मारने पहुँचे। जब रानी ने अपने सामने कई सिपाहियों को हाथ में तलवार लिए आते देखा तो अपने बचाव में रानी ने भागने का प्रयास किया, परंतु एक सिपाही ने रानी को पकड़ लिया। रानी रोते हुए बोली, मेरे और मेरे बच्चे के प्राण बख्श दो, बदले में तुम हमारा पूरा राजपाट, खजाना सब कुछ भले ही ले लो, महल की हर चीज तुम ले लो, पर मेरे बच्चे को और मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी एक सिपाही ने हंसते हुए रानी के पेट पर बहुत जोर से लात मार दी, जिससे रानी के गर्भ में पल रहा बच्चा तुरंत मर गया। रानी दुख में मानो मोम का पुतला बन गई हो। परंतु कुछ समय बाद रानी ने अपने आप को संभाला और रोते हुए कहा कि महल के अंदर के खजाने को तो छोड़ो, अगर कोई महल के पास भी भटकेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इतना कहते हुए रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं रानी के मरते ही अचानक तेज बिजली और तूफान से वो आधा महल ढह गया और महल खंडर के रूप में बदल गया। महल के अंदर या उसके आसपास जो भी लोग थे हर कोई मारा गया। रानी का नागिन के रूप में पुनर्जन्म हुआ और आज भी रानी मनी किशोरी छेर की महल के आसपास नागिन के रूप में घूमती है। कई लोगों ने ये दृश्य भी देखा है, परंतु आज तक जो भी इस महल के पास से भी गुजरा है तो समझो वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। मुंडा गांव सहित गुलपुर, सभी गुड़ा, कावड़ गांव सहित दर्जन भर गांव के लोग इस महल के आसपास गुजरने से भी कतराते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव।